नया टर्म बीजेपी कॉइन कर रही है। सर, आप खुद एक वकील भी है, वरिष्ठ नेता के साथ साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी, सड़कों पर उतरना पड़ा। लोगों के मन में तो ये संशय है ना कि भी अब कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर भी यकीन नहीं रहा। पहले चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते थे, फिर ईडी के ऊपर सवाल उठा, फिर सीबीआई के ऊपर उठा, अब यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो रणनीति क्या है इस समय कांग्रेस की, क्यों इस तरह? नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आज आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास। और यहां पर आज करनाल के अंदर सत्याग्रह जो है कांग्रेसियों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में जो राहुल गांधी हैं उनको सज़ा मिली है 2 साल की कोर्ट द्वारा, और उसके विरोध में जो लगातार कांग्रेस नेता हैं वो विरोध कर रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो सत्याग्रह है वो चलाया जा रहा है। आखिर क्यों इस तरह यानी कि सड़कों पर एक बार फिर से कांग्रेसियों को उतरना पड़ा, इसके लिए बातचीत करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, उनको 2 साल की सज़ा हुई है मानहानि के एक मामले में, और उसी को लेकर जो कांग्रेसी है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की पूर्व विधायक सुमिता सिंह हैं और धर्मपाल कौशिक हैं, तमाम जो यानी कि नेता हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुलदीप शर्मा जी से। शर्मा जी, कांग्रेस लगातार अब आक्रामक मूड में है, और जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है कोर्ट के मार्फत, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उसके लिए भी सत्याग्रह करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सज़ा है वो तो कोर्ट ने दी है, क्या डाउट्स है? कि एक तो ये है कि सत्याग्रह में आक्रामकता का कोई स्थान नहीं रहता है, हम एक विनियोग कर रहे हैं जिसमें लोकतंत्र में आप जब किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो उसके अपने अपने तरीके हैं जो गांधी जी ने हमें सिखाए हैं। देखिए, राहुल जी की सज़ा अदालत ने की, आपने ठीक कहा, लेकिन इट्स ए परवर्स ऑर्डर, ये सज़ा हुई नहीं है, करवाई गई है। इसके पीछे एक साजिश है, किस प्रकार से इस मुकदमे को एकदम पुनर्जीवित करके और ये ऑर्डर प्राप्त किया गया, सारी चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी लीगली तब पता लगेगा कि ये एक गहन साजिश के तहत राहुल गांधी को फंसाने का या उनकी सज़ा करने का। इस देश में अनेकों बार प्रधानमंत्री जिससे पद पर बैठे श्री नरेंद्र मोदी जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते रहे हैं गांधी परिवार के लिए, वो न केवल गांधी परिवार के लिए अपमानजनक है, अभी तो उन सब शहीदों के लिए, उन जेल यात्रियों, उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, देश के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले लोगों के लिए को अपमानित करने वाले बयान देश के प्रधानमंत्री दिए। और अनेकों बार ऐसी बातें कही गई जो नेहरूज के अगेंस्ट हो या एक सर ने। अब प्रश्न ये है कि अगर मोदी को कहा है कि भी तो बीजेपी कह रही ओबीसी, ललित मोदी ओबीसी है क्या, मारवाड़ी है, करोड़ों रुपए का बगावा भगौड़ा है, चौकसी गुजरात का और नीरव मोदी गुजरात के बनिए हैं, वो ओबीसी नहीं है, माल्या कर्नाटक का एक अमीर आदमी ओबीसी नहीं है, तो कह रहे हैं ओबीसी पर आघात है, ओबीसी के खिलाफ बोला जा रहा है, तो ये एक नया टर्म बीजेपी कॉइन कर रही है। सर, आप खुद एक वकील भी हैं, वरिष्ठ नेता के साथ साथ वरिष्ठ वकील भी हैं, तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी, सड़कों पर उतरना पड़ा। लोगों के मन में तो ये संशय है ना कि भी अब कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर भी यकीन नहीं रहा। पहले चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते थे, फिर ईडी के ऊपर सवाल उठा, फिर सीबीआई के ऊपर उठा, अब यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो रणनीति क्या है इस समय कांग्रेस की, क्यों इस तरह से? पहली बार नहीं कहा है, देश की सर्वोच्च जुडिशियल संस्था सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि देश की जुडिशरी खतरे में है, हम नहीं कह रहे हैं। फोर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आउट ऑफ देम टू बिकेम द चीफ जस्टिस। तो ये परिस्थिति देश के अंदर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर हमने ये कहा है प्रश्न चिन्ह लग गया है। जिस प्रकार से मुकदमा हाईकोर्ट से वापस रीडायरेक्ट करके कराया गया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड, फिर जब एक महीने के लिए सेंटेंस सस्पेंडेड था तो ऐसी क्या जल्दी लगी हुई थी राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने, उसके पीछे कारण है क्योंकि राहुल गांधी ने जो हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया अडानी जी इधर से उधर कर गए, उसके बारे में वक्तव्य देना था। फिर बीजेपी ने आरोप लगाया संसद में कि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है इस प्रकार। तो अगर आरोप लगाए हैं तो उसका जवाब भी सुनना चाहिए। तो जवाब सुनने से डरते हुए एक सेकंड का भी इंतजार किए बिना इन लोगों ने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया इन ग्रेट हेस्ट। राहुल गांधी क्यों टारगेट किए जा रहे हैं, क्यों सारा विपक्ष आज परिस्थिति ये बन रही है कि उस पर ईडी और सीबीआई के शिकंजे कसे जा रहे हैं। क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी पवित्र गंगा बह रही है जिसमें स्नान करके सब पवित्र हो रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी और सच सामने आएगा। सच बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी की सजा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई। सर आखिरी सवाल है आपसे कि आप वरिष्ठ, मैंने बताया कि नेता भी वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता भी वरिष्ठ हैं, अब पॉलिटिकल एंगल से अगर आप देखें और लीगल एंगल से देखें तो अब कितना, यानी क्या सिनेरियो क्या बन रहा है, विकल्प क्या है राहुल गांधी के पास? क्योंकि अगर सज़ा सस्पेंड हो गई है, एक जो प्रदीप चौधरी जी का केस था कालका के विधायक है कांग्रेस की, आपको याद होगा, उनका भी ऐसे सस्पेंड किया था, हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो वो दोबारा से विधायकी उनको मिल गई, तो क्योंकि वो सांसद हैं वहाँ पर ज़रूर जो कानून है कुछ अलग होगा, विकल्प क्या है राहुल गांधी के पास? वही कानून है जो वहाँ था, ये कानून नहीं बदलेगा, इसके खिलाफ अपील होगी दायर और ये सेंटेंस नहीं रहेगा, इट्स ए परवर्स ऑर्डर, वापस सेट असाइड हो जाएगा। उन्होंने तो कहा मुझे 10 साल के लिए ना मिले, लेकिन तो कानून है। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं करनाल की सुमिता सिंह मैम। जिस तरह से राहुल गांधी को पहले पप्पू कहा जाता था, कहते थे हम राहुल गांधी को सीरियस नेता ही नहीं मानते, और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी से डरे हुए हैं, दोनों जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं करती, उधर से बीजेपी की मैच नहीं करती, इधर से कांग्रेस की मैच नहीं करती, तो कारण क्या है जो ये सज़ा मिली है, क्योंकि अब आने वाले अगले साल में चुनाव भी हैं। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा से लाखों करोड़ों लोग, यूथ, नौजवान, महिलाएं, किसान, ये सब जो राहुल गांधी जी के साथ जुड़े हैं और वो इतने पॉपुलर हो गए, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी से, और दूसरा जो लोकसभा के अंदर वो अडानी और के बारे में जो सवाल कर रहे थे, इसके डर से राहुल गांधी जी का जो एक वो जो डेफामेशन केस था, और जिसने वो मोदी ने वो डेफामेशन केस डाला था उसको, उसने उसकी अपील हाई कोर्ट में की थी, और एकदम से क्या हुआ कि उसने वहाँ हाई कोर्ट से वापस लेके फिर से लोअर कोर्ट में करके, और साथ के साथ अगले दिन या दो दिन के अंदर अंदर राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। ये इस सबसे पता चलता है कि ये सारा कुछ जो है ये पॉलिटिकल है, राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और जिस दिन उनकी सज़ा सुनाई गई उससे अगले दिन जो है उनको लोकसभा से उनकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी, और उनको लोकसभा से जो है उनकी बर्खास्त उनको कर दिया। इसी कारण जो है वो उनको मालूम है आने वाला समय कांग्रेस का है, लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब कहीं भी आप चले जाइए, आप जाकर पूछिए कोई दुकानदार से, कोई एम्प्लॉयज हैं, सामने कोई नहीं आएगा आपके इस माइक के सामने, कोई नहीं। अगर आप अलग से जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनका कितना बुरा हाल है, उनका व्यापार ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, परेशान है, किंतु वो डर के मारे बोलते नहीं, क्योंकि FIR हो जाती है, ED और CBI जो है ये सरकार के दो टूल है, हर किसी के पीछे लगा दे। आप देखिए आप पार्टी के साथ दिल्ली में क्या किया, उनके मंत्रियों को अंदर कर दिया है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हर जगह जो है। इसीलिए हम राहुल गांधी जी के बर्खास्तगी पे हम बहुत पीसफुली शांति से हम सत्याग्रह कर रहे हैं,
और जब हमें पूरी उम्मीद है कि जब आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो राहुल गांधी की जो सजा है वो खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि लोग माइक पे नहीं बोलेंगे, साइड पे बोल देंगे, माइक पे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि माइक में बोलने से आप प्रेस में दिखाएंगे और उनको पता चलेगा कि भी लोग हमारे खिलाफ हैं, तो उनके खिलाफ इंक्वायरी हो जाएंगी, उनके छापे पड़ जाएंगे, कोई बिजली का छापा पड़ जाएगा, कोई उनके खिलाफ कोई FIR हो जाएगी, कोई उनका अगर कोई खाने का काम करता है, कोई हलवाई है, तो उनके सैंपल भर के ले जाएंगे। इसलिए वो लोग डरते हैं, कोई बोलता नहीं है, अलग से हमारे पास बात करते हैं। मैडम, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में काफ़ी लोगों ने बीजेपी, JJP, आम आदमी पार्टी, लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। अभी चुनाव में लगभग सवा साल रहता है, एक साल अभी जो लोकसभा के चुनाव है उसमें रहता है और लगभग 1.5 साल के आसपास विधानसभा के चुनावों में, तो किस तरह से देखते हैं ये, क्या एक बार फिर से वो दल बदल का सिस्टम शुरू हो गया, जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में और पार्टियों में गए थे वो वापस आ रहे हैं? उन्हें नज़र आ रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, और जो बीजेपी है, बीजेपी के अंदर हमें भी बहुत से लोग मिलते हैं, रूलिंग पार्टी के भी मिलते हैं, वो कहते हैं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी कोई मान इज्जत नहीं है, कोई उनका काम नहीं होता है। आप पार्षदों का हाल देख ले, बहुत से पार्षद हैं जो कह रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हाउस के अंदर मुझे कईयों ने बताया कि जो पार्षद चाहते हैं, जो उनके वार्ड्स के अंदर जो अनअप्रूव कॉलोनी है जहाँ 50% से ऊपर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गई है, उनको हाउस में नहीं रखा गया, किंतु उन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जिन्होंने कॉलोनीज काटी है जहाँ भी कोई काम शुरू नहीं हुआ, बिल्कुल खाली पड़ी है, वो जो है हाउस के एजेंडा में रख के पास कर दी गई है। पार्टी के ही हैं सभी नेता, बीजेपी के ही हैं? मुझे नहीं मालूम किसके हैं, क्योंकि हमारा तो कोई काम कांग्रेस वालों का तो नहीं होगा, रूलिंग पार्टी के ही होंगे जिससे भी होंगे। थैंक यू मैम। और ये थी पूर्व विधायक सुमिता सिंह, और सीधे तौर पर क्योंकि मुद्दा फिलहाल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर, यानी कि कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह से आपने देखा कि जो सत्याग्रह है कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है, और आज करनाल में भी, करनाल में ये मुद्दा गर्म इसलिए क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि करनाल में किस तरह से, यानी चाहे सड़कों की बात ले लें, स्कूलों की बात ले लें, अस्पतालों की बात ले लें, तमाम जो लोग हैं वो लगातार क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किस तरह से, यानी कि जो सत्ताधारी चाहे पार्टी के नेताओं की बात कर लें या अधिकारियों की बात कर लें, कोई भी यानी कि बोलने के लिए इस समय तैयार नहीं है, कोई भी कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और भी जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। अरोड़ा जी, क्या लग रहा है आपको, 1.5 साल रह गया अभी विधानसभा चुनावों में, दिसंबर में नगर निगम के चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, और उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होना? देखिए, ये एक सिस्टमेटिक इनका प्रोपेगेंडा है। अगर मैं थोड़ा सा, मुझे एक मिनट समय देंगे तो मैं विस्तार से बता पाऊंगा कि विनोद राय जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे 11वें, वो 2013 तक रहे, उनको आगे कहीं अकोमोडेशन नहीं कर रही थी सरकार, वर्तमान सरकार मनमोहन सिंह की, तो उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने भारत सरकार के कार्य प्रणाली के बारे में विभिन्न विभागों के ऑडिट के दौरान ये लिखा कि करप्शन है लार्ज स्केल। लेकिन एक महाराष्ट्र के नेता ने उन पर केस किया, 29 अक्टूबर 2021 में शायद वो वहाँ माफ़ी मांगी थी ऑडिटर जनरल ने। उनके रिपोर्ट के बेसिस पे भाजपा ने 2013-14 में प्रोपेगेंडा शुरू किया सोशल मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे, और 203 पहुंच गए। अब जब इनके, जब 8 साल तक कोई सत्ता में रहता है तो उससे गलतियां भी होती हैं, गलतियों के अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, कुछ चीज़ों को अपने पक्ष में भी किया होता है, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बोलते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, जिसके बारे में ये तिल तिल के पानी पी पी के कोसते थे, प्रधानमंत्री को कहते थे ये मौन व्यक्ति है, कुछ बोलते नहीं है मनमोहन सिंह। आज हमारे प्रधानमंत्री भी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, हर मुद्दे पे मौन है, चाहे वो चाइना से हमारी लड़ाई हो, चाहे अदानी का केस हो, चाहे वो BBC की रिपोर्ट हो, चाहे वो अगर यात्रा है तो यात्रा पर, ये पर्सन को अटैक करते हैं, आइडियाज़ की बात नहीं करते, आइडियोलॉजी की बात नहीं करते। राहुल गांधी ने जब पद यात्रा शुरू की तो उनके सामने जो मुद्दे थे, उसके अलावा जो जनता से मिलने के बाद मुद्दे कंसोलिडेट हुए, उसके बाद उन्होंने और अपनी राय रखनी, प्रचंड रूप से रखनी शुरू कर दी। इनको ये खतरा हो गया कि कांग्रेस हटाओ से मैं साथ साथ पहले राहुल गांधी जी को हटाओ, अगर इनकी सदस्यता भंग हो जाएगी तो ये इनको निकालने के बाद पार्लियामेंट में ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा व्यक्ति है, महुआ राय है, जो बहुत मुखर रूप से बोलते हैं, बोलते और भी हैं, लेकिन इन दो को तो आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति समझते हैं।
तो जब ये मुद्दों पे बोलना शुरू हुए तो इनको खतरा बढ़ गया उधर से, हिमाचल की सरकार भी चली गई। जब अडानी गेट कांड हुआ तो ये स्वाभाविक है कि भी 11 लाख करोड़ रुपया भारत की अर्थव्यवस्था से गरीबों का गया, बैंकों का गया, वो कहाँ चला गया, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। हम प्रधानमंत्री की जांच की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया तो हमने प्रधानमंत्री अडानी के रिश्तों की बात करी। जब ये बात शुरू करी तो इनको आग लग गई, गुस्सा आया, क्रोधित हुए, और क्रोध में बंदा गलतियां करता है। अब जिस जज ने केस, अब केस क्या है कि 15 अप्रैल 2019 को जब अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे राहुल गांधी, चुनावी सभा में नांदेड़ में उन्होंने कुछ बातें कही जिसमें ये कहा कि दो या तीन व्यक्ति मोदी हैं, इनमें कॉमन नेम मोदी है, ये तीनों चोर हैं। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और ये प्रोजेक्ट किया गया कि इन्होंने सारे मोदी, या जैसे आजकल इन्होंने फ्लैग ओबीसी के खिलाफ बोला गया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ बोलेंगे? हमारा तो अभी मता पास हुआ है रायपुर अधिवेशन में कि 50% हम इनको देंगे। खैर, ऑल सडन डन हुआ ये कि जो जज हैं वो, एक सेकंड, और जो जज हैं वो 10 दिन पहले प्रमोट हुए, जानते हो रोज आप देखते हो उन चीज़ों को। अब मीडिया में ये भी आ रहा है एक वर्षन के जज ने मतलब किसी फेवर को लेके ये किया होगा, हमें जुडिशियल विश्वास है, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल मीडिया में चारों तरफ है कि केस को यहाँ लाया गया और मैक्सिमम सजा दी गई। अगर आप 15 दिन की सिम्बोलिक सजा देते थे मान लेते थे, आप सिर्फ जुर्माना भी कर सकते थे, दोनों चीज़ें दी हैं आपने, मैक्सिमम सजा दी और थोड़ा जुर्माना किया है। हमारा विरोध यह है कि आप कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, या दमन की नीति अपना रहे हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। तो फिलहाल ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस मामले को लेकर क्या समझते हैं, क्या कहते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता को सस्पेंड किया गया उसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ आकर्ष रुपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।